हेलो दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू एकेडेमिया क्लासेस। एक बार फिर से स्वागत है आपका एकेडेमिया क्लासेस में। हम हाजिर हैं आपके सामने 28 और 29 जनवरी का करंट अफेयर्स लेकर। लेकिन पहले उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आपको जरूर कर लेना है, ठीक है? सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करते रहना है और अपने सुझाव कमेंट में आपको देते रहना है कि आपको कैसे लग रहा है, कंटेंट में कुछ इंप्रूवमेंट करना है या जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उनका आंसर आपको कमेंट में देते रहना है, ठीक है? बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने करंट अफेयर्स की तरफ। आज असल में क्या है, 28 और 29 जनवरी का हम दोनों का एक साथ देखने वाले हैं, क्योंकि कल किसी कारण से, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम वीडियो नहीं डाल पाए थे। सबसे पहले बात करते हैं भारत पर्व की। भारत पर्व क्या है? दरअसल एक फेस्टिवल हम कह सकते हैं इसको। भारत पर्व मनाया जा रहा है, 26 से 31 जनवरी तक मनाया जाएगा। 5 दिन का ये पर्व होगा। 5 दिन का कहां पर मनाया जा रहा है? फोटो में आपको नजर आ रहा होगा, लाल किले में। ऑर्गेनाइज्ड कौन करवा रहा है को? ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, इसको ऑर्गेनाइज्ड कराने की बात करें, आयोजन की, तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इसको ऑर्गेनाइज्ड करवा रहा है। हमारे टूरिज्म मिनिस्टर कौन है, पर्यटन मंत्री कौन है? बात की जाए तो प्रहलाद सिंह पटेल। प्रहलाद सिंह पटेल हमारे पर्यटन मंत्री हैं। इसके अलावा इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो दामोह मध्य प्रदेश से ये सांसद हैं। दामोह मध्य प्रदेश इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अगर वर्चुअल प्लेटफॉर्म की बात की जाए, भारत पर्व के वर्चुअल प्लेटफॉर्म की, क्योंकि COVID-19 की वजह से इस बार जो भी चीजें हो रही है वो वर्चुअली ही ऑर्गेनाइज हो रही है, तो वर्चुअल प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें तो क्या है, आपको जाना है www.bharatparv.com, ये इसका वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, ठीक है? बढ़ते हैं अगली हेडिंग की तरफ। क्या है अगली हेडिंग हमारी, तो नेशनल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मॉनिटरिंग सर्वे। अभी हमारा एक नया सर्वे जारी किया गया है, नेशनल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मॉनिटरिंग सर्वे। जारी किसने किया है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर कौन है हमारे, मिनिस्टर की बात करें तो डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे मिनिस्टर हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी आपको कहूं तो चांदनी चौक दिल्ली इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, ऐसी बीमारियां हैं जो एक दूसरे के संपर्क में आने से नहीं फैलती है, यानी किसी के संपर्क में आने से हमें वो बीमारी नहीं लगती। वो है जैसे मैं डायबिटीज की बात कर लूं, मैं कैंसर की बात कर लूं, ये सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स होती है लोगों को, ठीक है, ये सारी। और अगर कम्युनिकेबल डिजीज की बात की जाए तो सबसे बड़ा उदाहरण COVID-19 है, एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है। तो जो बीमारियां एक दूसरे के संपर्क में आने से नहीं फैलती वो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो सर्वे के बारे में हमने बात की, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी चीजें थी उनके बारे में हमने जान लिया, लेकिन एज ए इंडियन सिटीजन हमें और भी कुछ पता होना चाहिए, और वो क्या है इस सर्वे के बारे में। कहीं ना कहीं इंडियन सिटीजन को जागरूक होना पड़ेगा, अवेयर रहना पड़ेगा अपनी हेल्थ को लेकर, जो आंकड़े इस सर्वे ने प्रस्तुत किए हैं। क्या कहता है ये आंकड़े, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं आपकी, तो हर पांच में से दो एडल्ट्स, एडल्ट्स आप समझते हैं 18 से ज्यादा के जो मेल या फीमेल जो भी हैं, दो एडल्ट्स वो उनको तीन या उससे ज्यादा नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं। यानी एक या दो की मैं बात नहीं कर रहा हूं, 5 में से 2 एडल्ट्स ऐसे हैं जिनको एक या दो नहीं, 3 या उससे ज्यादा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। तो ये एक बहुत बड़ी फिक्र वाली बात है हमारे लिए, हमें कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को लेकर अवेयर होने की जरूरत है, ठीक है? इसके अलावा और क्या कहता है, 4 में से 1 या 1 से ज्यादा लोग ओवरवेट के शिकार हैं। ओवरवेट ये जिसे हम कहते हैं मोटापा, ठीक है? तो ओवरवेट या मोटापा के शिकार हैं हर 4 में से 1 या उससे ज्यादा लोग। इसके अलावा और क्या कहता है ये सर्वे, ये सर्वे कहता है 10
10 में से 3 लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है, किसी का हाई रहता है, किसी का लो रहता है। इसके अलावा ये कहता है कि हमारी इंडिया की जो जनसंख्या है उनमें से 9.3% लोगों के ब्लड में जो ग्लूकोज की मात्रा है वो कहीं ना कहीं ज्यादा है। तो ये चीजें हमें अपने आप को सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे जो डेली लाइफ रूटीन है और जो हेल्थ रूटीन है वो कहीं ना कहीं हमें चेंज करके उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि हमारी हेल्थ रूटीन ही हमारी इंडियन इकोनॉमी को कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा। जब अगर हम हेल्दी नहीं होंगे तो हम अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे और वो हमारी इकोनॉमी को कहीं ना कहीं बूस्ट होने से रोकेगा। ठीक है, अगली बात करते हैं इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट के बारे में। इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट क्या है, क्या कहती है ये रिपोर्ट? ये कहती है कि COVID-19 की वजह से जो लोगों में गरीबी और अमीरी वाली असमानता थी वो COVID-19 के बाद और अधिक बढ़ गई है, यानी वो असमानता अब कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है COVID-19 की वजह से, भी वो कम होने का उसका नाम नहीं है। ये रिलीज किसने किया है ये रिपोर्ट रिलीज की है ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने। ऑक्सफैम इंटरनेशनल क्या है, एक एनजीओ है ये, जिसकी स्थापना हुई थी 1995 में। ठीक है, इसका सचिवालय या हेडक्वार्टर जो भी आप कहो, लेकिन सचिवालय नाम मिलेगा आपको, इसका सचिवालय है नैरोबी। और नैरोबी कहाँ है, नैरोबी है दरअसल केन्या की राजधानी। ठीक है, ये बात हुई केन्या की, तो केन्या की बात की तो नैरोबी हमें पता चल गया। कैसी उसकी क्या है करेंसी है, केनियन शिलिंग। तो शिलिंग आपको इसकी इनइक्वालिटी रिपोर्ट वायरस रिपोर्ट के बारे में इतना था। एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पे करना चाहूंगा और वो क्वेश्चन ये है कि जो केन्या है वो एक लेक विक्टोरिया से अपनी बॉर्डर साझा करता है, और लेक विक्टोरिया से केन्या के अलावा और कंट्रीज अपनी बॉर्डर टच करते हैं। तो आपको उनके नाम बताना है कि कौन कौन से कंट्रीज लेक विक्टोरिया से अपनी बॉर्डर साझा करते हैं। इसके अलावा लेक विक्टोरिया से एक बहुत महत्वपूर्ण नदी निकलती है, आपको उस नदी का नाम भी कमेंट सेक्शन में बताना है। इतनी मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जिसको पता है वो बताएगा और जिसको नहीं पता वो गूगल करके जरूर इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखेगा। ठीक है, अगली हेडिंग की अगर बात करें तो अगली हेडिंग है हमारी श्री गोविंद वल्लभ पंत साहब के बारे में। इनका जीवन काल रहा 1887 से 1861। पहले बात करते हैं कि करंट में ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों न्यूज में बने हुए हैं। ठीक है, तो अगर न्यूज की बात करें तो दरअसल संसद परिसर में, हमारे संसद परिसर में इनकी एक प्रतिमा थी जिसको हटा लिया गया, और अब इस प्रतिमा को वापस स्थापित किया जाएगा। तो अभी सरकार बताइए कि सरकार ने बताया कि कहां पे स्थापित किया जाएगा, ये आप बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये स्थापित किया जाएगा पंडित पंत मार्ग पर, दिल्ली में, हमारी दिल्ली में पंडित पंत मार्ग पर इनकी वो प्रतिमा वापस स्थापित की जाएगी। और पंडित पंत मार्ग पर भी जो गुरुद्वारा है रकाबगंज, ठीक है, गुरुद्वारा रकाबगंज, इसके जरिए इनकी उस प्रतिमा को स्थापित कर दिया जाएगा। तो ये बात हुई करंट से रिलेटेड गोविंद वल्लभ पंत साहब के बारे में। क्योंकि इनका नाम करंट में हाईलाइट हो गया तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए ओवरऑल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इनके बारे में पूरी एक बात कर लेते हैं कि क्या क्या फैक्ट इनके बारे में एग्जाम से पूछ सकता है, एग्जाम के अंदर पूछ सकता है। तो अगर इनके पेशे की बात करें, पेशे से ये वकील थे, हमारे एक बहुत महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। अगर स्वतंत्रता सेनानी के रूप में बात की जाए तो दो महत्वपूर्ण आंदोलनों में इन्होंने अपना सक्रिय रूप से भागीदारी निभाई है। एक तो असहयोग आंदोलन की बात करें, असहयोग आंदोलन, इसमें इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। इसके अलावा अगर बात की जाए असहयोग के साथ साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसमें भी ये काफी सक्रिय रहे। ठीक है, आजादी के बाद बात करें तो उत्तर प्रदेश जो हमारा राज्य है उसके प्रथम सीएम रहे, फर्स्ट सीएम, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत महत्वपूर्ण ये फैक्ट है। लेकिन मैं एक फैक्ट आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि एकेडेमिया पे आए हो तो कुछ स्पेशल तो होना ही चाहिए। यूनाइटेड प्रोविंस, पहले जो हमारा उत्तर प्रदेश था, उत्तराखंड भी उसमें था, और यूनाइटेड प्रोविंस नाम से ये राज्य जाना जाता था। तो यूनाइटेड प्रोविंस क्या है, तो ये यूनाइटेड प्रोविंस के सेकंड सीएम है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश, जब उत्तराखंड अलग हो गया और उत्तरांचल के रूप में अलग हुआ, तो उत्तर प्रदेश के ये क्या थे, फर्स्ट सीएम थे। ये बात आपको श्री गोविंद वल्लभ पंत साहब के बारे में पता होनी चाहिए। इसके अलावा ये हमारे केंद्रीय गृह मंत्री भी रहे, केंद्रीय गृह मंत्री,
कब से कब तक रहे? तो आपको पता रहे कि 1955 से, इसी दौरान इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया, कब? 1957 में। तो ये फैक्ट आपको पता रखना है कि वो कौन से पर्सन है जिनको गृह मंत्री पद पर रहते हुए भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो श्री गोविंद वल्लभ पंत साहब वो पर्सन है जिनको ये मकाम हासिल हुआ है, ठीक है, याद रखना है आपको। अच्छा, एक झील के बारे में आपको पता है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील इन्हीं के नाम पे है। कौन सी है? श्री गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, ये आपको पता है, कृत्रिम झील। आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि ये झील परियोजना के अंतर्गत किस नदी पे बनी है, ठीक है ना, का नाम और परियोजना का नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इतनी बात हुई गोविंद वल्लभ पंत साहब की, आगे बढ़ते हैं और अगली हेडिंग पे हमारी बात चलेगी। और हमारी अगली हेडिंग क्या है? पंख अभियान। पंख अभियान की अगर बात की जाए तो क्या है, किसने लॉन्च किया, कौन सी योजना के अंतर्गत लॉन्च किया गया, एक इंपॉर्टेंट अभियान ये हो जाता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं। तो पंख अभियान की अगर बात करें तो पंख अभियान एमपी और एमपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, कौन सी योजना के अंतर्गत? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है? पंख अभियान से पी से प्रोटेक्शन अवेयरनेस ऑफ देयर राइट्स न्यूट्रिशन नॉलेज हेल्थ, ये हुई इसकी फुल फॉर्म, ठीक है। कौन सी योजना के अंतर्गत? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत, ठीक है। मध्य प्रदेश की बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल राजधानी है और शिवराज सिंह चौहान शिवराज के सीएम है। गवर्नर की बात की जाए तो आनंदीबेन पटेल गवर्नर है। और लोकसभा की मैं बात करूं, लोकसभा सीट की, तो 29 लोकसभा सीट है। राज्यसभा सीट की बात करें तो 11 राज्यसभा सीट है। और विधानसभा सीट की बात की जाए तो 230 विधानसभा सीट कहां पे? मध्य प्रदेश में रहेगी। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क की बात करें तो कान्हा नेशनल पार्क, और एक और आपको ध्यान रखना है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। इसके अलावा बात की जाए सर्वाधिक टाइगर भारत में आते हैं वो भी कहां पाए जाते हैं? हमारे मध्य प्रदेश में 526 इनकी संख्या है, ठीक है। सेकंड नंबर पे कर्नाटक आता है 524 के साथ में। अभी तेंदुआ की जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे तो हमें पता होना चाहिए कि तेंदुए भी सबसे ज्यादा हमारे मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं भारत के अंदर, ठीक है। इतनी बात हमारी हुई पंख अभियान और उससे रिलेटेड मध्य प्रदेश के बारे में हमने बात कर ली। फिर अगली हेडिंग हमारी क्या है? बढ़ते हैं अगली हेडिंग की तरफ। तो अगली हेडिंग की बात करते हैं और अगली हेडिंग हमारी है डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। क्या है ये? ये दरअसल एक दर्जा दिया गया है आरबीआई के द्वारा डीएसआईबी का। तो तीन बैंकों को दर्जा मिला है डीएसआईबी का। और ये किस किस को मिला है आपको पता रखना है? एसबीआई आईसीआईसीआई और एचडीएफसी को ये दर्जा दिया गया है। दरअसल ये कहा गया है आरबीआई के द्वारा कि ये बैंक ऐसे हैं जो हमारे भारत की इकोनॉमी के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आरबीआई ने इनको कहा है टू बिग टू फेल, यानी इतने बड़े हैं ये कि इनका फेल होना लगभग नामुमकिन है, ये फेल हो ही नहीं सकते। अगर ये फेल होते हैं तो फिर हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डिजास्टर साबित होगा कि हमारी इकोनॉमी कहीं ना कहीं अपने रास्ते से ठीक तरह से आगे नहीं बढ़ रही है, ठीक है। आरबीआई ने घोषणा की है तो आरबीआई की कुछ बात करें, आरबीआई की स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। इसके अलावा हेडक्वार्टर कहां पर है? हेडक्वार्टर है मुंबई में। 5 रीजनल ऑफिस भी इसके हैं, यानी कि क्षेत्रीय ऑफिस क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, वो आप बताइए कहां कहां है। और अगर अभी गवर्नर की बात करें तो है श्री शक्तिकांत दास, ठीक है, श्री शक्तिकांत दास। ये हो गई डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपोर्टेंट बैंक्स की बात। कौन कौन से हैं? तीन बैंक है, एसबीआई आईसीआईसीआई और एचडीएफसी, ठीक है। बढ़ते हैं अपनी अगली हेडिंग की तरफ बिना किसी देरी के। तो हमारी अगली हेडिंग क्या है? भारत न्याय रिपोर्ट। भारत न्याय रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। एक टाटा ट्रस्ट महाराष्ट्र है जो ये रिपोर्ट
जारी करता है कि भारत के कौन से राज्य में या हमारे भारत में न्याय की, लोगों को न्याय प्राप्त होने की क्या स्थिति है। तो टाटा ट्रस्ट महाराष्ट्र इसको रिलीज करता है। और अब आइए हमारी भारत की न्याय रिपोर्ट क्या है, वो कौन सा राज्य है जो न्याय दिलाने में बेस्ट है भारत के अंदर। तो फर्स्ट आया है हमारा जो टॉप पे है महाराष्ट्र, फिर सेकंड रहा है तमिलनाडु, तेलंगाना थर्ड रहा है, पंजाब फोर्थ और केरला रहा है फिफ्थ। लेकिन लास्ट देखा जाए इसमें, इसी लिस्ट में अगर लास्ट की बात करें तो उत्तर प्रदेश इसके अंदर लास्ट रहा है। ठीक है, तो महाराष्ट्र के और ये जितने भी राज्यों के नाम लिए हैं आप सर्च करोगे अपने से, इनके सीएम और इनके गवर्नर आपको पता होना चाहिए। गवर्नर और गवर्नर के अलावा बात करें, अगर आपको पता हो इनकी लोकसभा और राज्यसभा सीट्स, तो कहीं ना कहीं हम किसी कई लोगों से बहुत आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, और अगर बात करें तो आपको नेशनल पार्क्स के बारे में भी पता होना चाहिए, इनके हाई कोर्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। और अगर इनसे रिलेटेड हाई कोर्ट्स में अभी कोई नई नियुक्ति हुई है, जैसे चीफ जस्टिस की बात करें, तो उनके बारे में आपको जरूर जरूर पता रखना चाहिए। ठीक है, तो अभी भारत में मैं एक क्वेश्चन आपको यहीं से कर लेता हूं कि तेलंगाना के हाई कोर्ट में अभी भारत में, पूरे भारत के हाई कोर्ट में सिर्फ एक चीफ जस्टिस है जो फीमेल है, फीमेल चीफ जस्टिस है, उनका नाम आपको बताना है। एकेडमिया में ऑफलाइन क्लासेस में मैंने ये चीज पढ़ाई हुई भी है, तो सबसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। ठीक है, अगली हेडिंग पे बात करें, कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक। कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक क्या है, रिलीज्ड कौन करता है? तो पहली बात, रिलीज्ड करता है लोवी इंस्टीट्यूट। ये बताता है कि कोविड-19 के दौरान कौन से देश का प्रदर्शन अच्छा रहा और किसका प्रदर्शन ठीक नहीं रहा। तो हमारे भारत की बात करें, सबसे पहले भारत की क्या पोजीशन है, तो भारत की पोजीशन है 86, यानी 96 कंट्रीज में से 86 भारत है। अब आप खुद डिसाइड करो कि हमारा प्रदर्शन अच्छा है या अच्छा नहीं है। जारी कौन करता है, लोवी इंस्टीट्यूट जारी करता है। न्यूजीलैंड फर्स्ट रहा है, फर्स्ट पे दो कंट्री रही है, न्यूजीलैंड और वियतनाम। न्यूजीलैंड के बारे में बात करें तो देखो, दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है न्यूजीलैंड को, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, तो आपको पता होना चाहिए दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है। इसके अलावा इसकी कैपिटल की बात कर लें तो कैपिटल है वेलिंगटन, और करेंसी की बात करें तो करेंसी चलती है यहां पे न्यूजीलैंड डॉलर, है ना, न्यूजीलैंड डॉलर ही है, और लेकिन न्यूजीलैंड डॉलर है। ठीक है, इसके बाद इसके अलावा बात करते हैं वियतनाम की। वियतनाम की राजधानी क्या है, वियतनाम की कैपिटल है हनोई, यहाँ की कैपिटल है। और यहाँ की मुद्रा की अगर बात करें तो मुद्रा है यहाँ की डोंग, ठीक है ना। तो लास्ट कौन रहा है 96 नंबर पे, ब्राजील 96 पे रहा है। ठीक है, तो हमारे भारत की भी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है, 86 नंबर पे हम रहे हैं। लेकिन आपको ये नंबर जरूर ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, एक तो फर्स्ट पूछ लिया जाता है कि टॉप पे कौन रहे हैं, दूसरा हमारा इंडिया का तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो ही जाता है। ये थी हमारी कुछ डिटेल्ड न्यूज जिनपे हमें डिटेल में बात करनी थी। अब बात करेंगे कुछ वन लाइनर्स पर, तो वन लाइनर्स में लेते हैं सबसे पहले बॉट लाइब्रेरी, नाउ पुस्तकालय कहाँ खोला गया है, आपको नजर आ रहा है नाव पुस्तकालय खोला गया है हमारे कोलकाता में। क्या है, दरअसल अगर आप कोलकाता जाते हो तो और वहां पे नाव का सफर करते हो, तो नाव का सफर करने के साथ साथ आपको वहां पे लाइब्रेरी के मजे भी मिल जाएंगे। तो ये शुरू हुआ है, दरअसल ऐसी लाइब्रेरी एक अनोखा एक्सपेरिमेंट है, हमारे भारत में पहला एक्सपेरिमेंट है। तो बोट लाइब्रेरी कहीं ना कहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, कोलकाता में ध्यान रखना है। अच्छा, कोलकाता कौन से राज्य में है या कौन से राज्य की राजधानी है, ये तो बच्चों वाला सवाल हो गया, चलो बताना। ठीक है, अगली बात करें आदिवासी मेला 2021, तो उड़ीसा का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेला है आदिवासी मेला 2021, तो ये आपको पता रखना है। उड़ीसा के अलावा कहां लग रहा है, भुवनेश्वर में, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में ये मेला आयोजित किया जा रहा है। ये पिक में आपको नजर आ रहा होगा, इसकी थीम वगैरह जो भी है, उड़ीसा के ट्राइबल उड़ीसा की जो ट्राइब्स है उनका ये मेला है। फिर बात करें एक अंतरराष्ट्रीय संघ गठबंधन की, यानी एक गठबंधन बनाया है जो कर्मचारियों ने बनाया है किसी कंपनी के, तो एग्जाम में ऐसा पूछा जाएगा या तो यह पूछ लिया जाएगा कि अल्फा ग्लोबल क्या है, तो अल्फा ग्लोबल एक अंतरराष्ट्रीय संघ है कर्मचारियों का। इसके अलावा कि किस कंपनी के कर्मचारियों ने यह बनाया है, तो गूगल एक बहुत बड़ी कंपनी है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और बहुत सारी ब्रांचेस इसकी पूरी दुनिया में फैली हुई है, तो गूगल के सारे कर्मचारियों ने, दुनिया के
पूरे कर्मचारियों ने मिलकर एक संघ बनाया, एक यूनियन बनाया है और उसका नाम दिया है अल्फा ग्लोबल। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कभी भूलना नहीं चाहिए। गूगल की बात आई है तो बात करना जरूरी है। स्थापना की बात करेंगे 4 सितंबर 1998 को स्थापना होती है। दो लोग थे जिन्होंने स्थापना की, कौन है, नाम भूलना नहीं है। एक तो है लैरी पेज और दूसरा नाम आपको पता होना चाहिए सर्गी ब्रिन, ठीक है ना, ये बात आपको भूलनी ही नहीं है। इसके अलावा इसकी पेरेंट कंपनी की बात करें, गूगल की पेरेंट कंपनी या हिंदी में कहोगे तो मूल कंपनी, किस कंपनी की, सब कंपनी के अंडर ये है। तो इसकी जो मूल कंपनी है वो है अल्फाबेट, है ना, उसी के नाम पे ये इन्होंने संगठन का भी नाम रखा है। तो अल्फाबेट हो गई इसकी मूल कंपनी, भूलना नहीं है बिल्कुल भी, ध्यान रखना। हेडक्वार्टर की बात करें गूगल का, तो गूगल का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में, और कैलिफोर्निया है हमारा यूएसए में। और अगर किसी भारतीय को ये नहीं पता कि उसके सीईओ कौन है गूगल के, तो फिर भारतीय लोगों के लिए, हम लोगों के लिए शर्म वाली बात है, क्योंकि भारतीय मूल के एक पर्सन है सुंदर पिचई, जो गूगल के सीईओ के पद पर कार्यरत है। ठीक है, वन लाइनर में इन पे इतना हो गया। बात करते हैं अगले कुछ वन लाइनर्स की तरफ। तो एम्फैक्स युद्ध अभ्यास, एम्फैक्स दरअसल ये बनाए एम्फीबियन एक्सरसाइज, ठीक है ना, उभयचर एक्सरसाइज, जैसे उभयचर होते हैं ना, जल और थल दोनों में रहने वाले, जल और थल में, उसी तरह से ये एक्सरसाइज है जो इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी ने किया है। कहां पर हो रही है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हो रही है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं आयु संवाद अभियान, आयु संवाद अभियान क्या है, एक जन जागरूकता अभियान है। तो आपको पता रखना है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ठीक है ना, ये इसको चला रहा है आयुर्वेदा। कहाँ का इंस्टीट्यूट है, न्यू दिल्ली का इंस्टीट्यूट है, न्यू दिल्ली में ये है। इसको सपोर्ट कौन सी मिनिस्ट्री कर रही है, तो सपोर्ट आपको पता रखना है, मिनिस्ट्री का नाम आ गया तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट कर रही है आयुष मिनिस्ट्री, ठीक है, आयुष मिनिस्ट्री। और आयुष मंत्री कौन है, आयुष मंत्री है, चलो आयुष मंत्री का नाम आप बताइए, इनकी कौन सी है, इनकी नॉर्थ गोवा, ठीक है, नॉर्थ गोवा इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। और आप मुझे बताएंगे कि आयुष मंत्री हमारे कौन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ठीक है। फिर बात करते हैं, निधन हुआ है श्री नरेंद्र लूथर साहब का, ये आपको फोटो में जो नजर आ रहे हैं, ये हमारे श्री नरेंद्र लूथर साहब। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हाल ही में इनका निधन हुआ, किस फील्ड से ये संबंध रखते थे, तो ये संबंध रखते थे, ये दरअसल क्या थे, 1955 बैच के आईएएस ऑफिसर था, कि ये क्या थे, सिविल सेवक, है ना, सिविल सेवा किए थे। उसके अलावा ये लेखक भी रहे, इन्होंने किताबें भी लिखी है। इनका जो महत्वपूर्ण योगदान की मैं बात करूं, यहाँ पे लिख रहा हूं, यहाँ थोड़ी जगह मुझे नजर आ रही है, महत्वपूर्ण योगदान की बात करूं तो हैदराबाद के लिए इन्होंने बेहतरीन काम किया है, और उसमें भी कहां पे, हैदराबाद के इतिहास और हैदराबाद की संस्कृति के लिए इन्होंने जो काम किया है वो सराहनीय प्रयास इनका कहा जा सकता है। एक सोसाइटी है जिसके ये अध्यक्ष रहे, कौन सी सोसाइटी थी, एक सोसाइटी थी जिसका नाम कुछ इस तरह से था, हैदराबाद भारत को बचाने के लिए, ठीक है ना, भारत को था, और इस सोसाइटी के अध्यक्ष भी नरेंद्र लूथर साहब रहे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं और अगली हेडिंग है माउंट मेरापी में अभी क्या हुआ है, ज्वालामुखी उद्गार हुआ है, तो पूछ लेगा कि माउंट मेरापी कहाँ पे, तो ये रहा माउंट मेरापी इंडोनेशिया में, ठीक है ना, कौन से आइलैंड पे, तो जावा आइलैंड पे मोस्ट एक्टिव वोल्केनो माउंटेन है ये, इंडोनेशिया का मोस्ट एक्टिव वोल्केनो माउंटेन, यानी सक्रिय, सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी माउंटेन है ये, कहां का, इंडोनेशिया का, ठीक है। इंडोनेशिया की बात करते हैं, इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है, कैपिटल है जकार्ता, ईस्ट कालीमंथन डेवलप हो रही है, इसकी नेक्स्ट कैपिटल के रूप में आपको पता रहना चाहिए। करेंसी की बात कर ले अगर, तो करेंसी है रुपया, इंडोनेशियन रुपया, ठीक है। और अगर इनके प्रेसिडेंट की बात करें तो जोको विडोडो यहाँ के प्रेसिडेंट है। फिर एंटिटीज फॉर गुड फॉर ऑल, आपको ये नजर आ रहा होगा क्या है, दरअसल विश्व उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोग दिवस। देखिए आपको पता होगा ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी 0 डिग्री है, टेक्निकल प्रॉब्लम, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी क्या है, ऊपर नीचे 23.5 डिग्री पे क्या है, मकर रेखा,
ठीक है ना, ये वाला जो एरिया है ना इसको हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, तो इस क्षेत्र में जो बीमारियां हो उत्पन्न होती है ना उसके बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। कब? 30 जनवरी को। ठीक है, इस बार क्या करेंगे कि पूरी दुनिया में ये स्थान इन्होंने सिलेक्ट किए हैं जिनको रोशन किया जाएगा, की जाएगी उनकी, और फिर जनता को एक मैसेज दिया जाएगा बीमारियों से बचने के लिए, उनको अवेयर किया जाएगा। तो भारत की कौन सी जगह है जिसको लाइटिंग की लाइटिंग के लिए? तो भारत में कुतुब मीनार पर इस दिन 30 जनवरी को लाइटिंग की जाएगी। ठीक है, अगली बात करते हैं, 2021-22 को इंडो फ्रांस ईयर ऑफ द एनवायरनमेंट के रूप में मनाया जाएगा। यानी भारत और फ्रांस ने मिलकर 21 और 22 में मनाएंगे एक ईयर के रूप में, और वो ईयर होगा ईयर ऑफ द एनवायरनमेंट। और उसको हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पूछा जाएगा आपसे कि इंडो फ्रांस ईयर ऑफ एनवायरनमेंट कौन सा साल है, तो 2021-22 का साल क्या होगा, इंडो फ्रांस ईयर ऑफ एनवायरनमेंट। कौन सी दो कंट्रियां मिलकर करेगी इसको, और ये होगी एक तो हमारा इंडिया, दूसरा फ्रांस। फ्रांस की बात करें, सॉरी फ्रांस की अगर हम बात करें तो फ्रांस के कैपिटल क्या है, फ्रांस की कैपिटल है, कौन भूल सकता है, पेरिस। और फ्रांस की करेंसी की बात करें तो यूरो यहाँ की करेंसी है, यहाँ के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के प्रेसिडेंट है, इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, अगर आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के, तो अब क्या हुआ, गणतंत्र दिवस परेड होती है हमारी और यहाँ पे झांकियां निकलती है हर साल, ये इनाम दिया जाता है सर्वश्रेष्ठ झांकी का। तो देखो न्याय वाले क्षेत्र में तो लास्ट था हमारा उत्तर प्रदेश, लेकिन गणतंत्र दिवस परेड में जो सर्वश्रेष्ठ झांकी थी वो किसकी थी, उत्तर प्रदेश की थी, है ना। तो उत्तर प्रदेश का ये पता रखना है कि लास्ट किसमें था, न्याय रिपोर्ट में, और फर्स्ट किसमें, गणतंत्र दिवस की जो परेड थी 2021 में उसकी सर्वश्रेष्ठ झांकी थी, ये आपको यहाँ पे नजर आ रही है, झांकी थी उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश के सीएम की। अच्छा, इस झांकी की पहले थीम क्या थी, झांकी की थीम थी अयोध्या, अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान, है ना, अयोध्या यूपी की सांस्कृतिक पहचान, ये इसकी क्या थी, थीम थी। ठीक है, यूपी की बात कर लेते हैं, यूपी में क्या है, सीएम कौन है, कौन भूल सकता है, योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के सीएम है, है ना। और गवर्नर की बात करें तो गवर्नर कौन है, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। बात की जाए लोकसभा सीट की, तो 80 लोकसभा सीट है, 31 राज्यसभा सीट है, और 403 यहाँ की विधानसभा सीटें हैं। ये बात हो गई हमारे उत्तर प्रदेश की। अच्छा, अब आईसीसी जो है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी ने घोषित किया है नया अवार्ड, कौन सा, प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। आईसीसी क्या करेगी, अब हर महीने एक मेल क्रिकेटर को और एक फीमेल क्रिकेटर को प्लेयर ऑफ द अवार्ड, प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड से सम्मानित करेगी। तो आपको ये बात पता रखना है कि नया जो अवार्ड शुरू किया है आईसीसी ने, कौन सा किया है, प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई में। ठीक है, सीईओ कौन है आईसीसी के, आईसीसी के सीईओ है मनु साहनी, मनु साहनी। और आईसीसी के प्रमुख, जैसे चेयरमैन की अगर मैं बात करूं, आईसीसी के चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। ठीक है ना, ग्रेग बार्कले। और कहां के हैं ग्रेग बार्कले, ग्रेग बार्कले है न्यूजीलैंड के, ये आपको पता रखनी है इतनी बात। आगे बात करें, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन ने यह तय कर दिया है कि जो वुमेन्स एशियन कप होगा फुटबॉल का वो 2022 में होगा, और कहां पे होगा, हमारे इंडिया में होगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए। एएफसी का क्या कहां है मुख्यालय, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में है, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है एएफसी का। अगर और इसकी बात करें, मलेशिया की कैपिटल आपको पता चल गई कुआलालंपुर, इसकी करेंसी की बात करें तो करेंसी है रिंगित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कुछ हेडिंग्स और हमारी बची है, तो आगे बढ़ते हैं और खत्म करते हैं अपनी वीडियो को बहुत जल्दी। तो अब अगली बात करते हैं हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइंड बाय इंडिया एंड आईईए के बारे में। ठीक है, एक पार्टनरशिप साइन की गई है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, यानी अब एक मिल बांट के काम करेंगे ऊर्जा के क्षेत्र में इंडिया और आईईए। आईईए क्या है, ये इंटरनेशनल एनर्जी
एजेंसी, ठीक है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है जिसके साथ में इंडिया ने क्या किया है, एक पार्टनरशिप साइन की है और वो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, यानी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट के लिए, सस्टेनेबल विकास के लिए भारत और आईईए ऊर्जा के क्षेत्र में अब क्या करेंगे, एक सहकारी साझेदार मतलब में स्ट्रेटेजिकली पार्टनरशिप बना के काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी आईई के बारे में थोड़ा सा जान ले, तो आईई की जो स्थापना हुई, आईई की स्थापना हुई 1974 में इसकी स्थापना हो गई। हेडक्वार्टर आपको ध्यान रखना है पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और इंडिया इसका परमानेंट मेंबर है क्या, तो इंडिया इसका परमानेंट मेंबर नहीं है, आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा संगठन है जिसका इंडिया परमानेंट मेंबर नहीं है, तो इंडिया इसका परमानेंट मेंबर नहीं, इसका ना कि परमानेंट मेंबर है, एसोसिएट मेंबर इंडिया इसका है, ठीक है। फिर आखिरी बात करते हैं वर्ल्ड लेप्रोसी डे यानी विश्व कुष्ठ रोग दिवस के बारे में, और ये कब मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है कि इसकी कोई डेट फिक्स नहीं होती, इसका फिक्स किया हुआ है लास्ट संडे ऑफ जनवरी, और इस बार जनवरी का लास्ट संडे कब आएगा, वो आएगा 30 जनवरी को, ठीक है। तो 30 जनवरी को मनाया जाएगा वर्ल्ड लेप्रोसी डे। ये हुई हमारी बात। अब फर्स्ट मैं चाह रहा हूं कि हम एक बार आज का सेशन रिवाइज कर लें, और आज के सेशन में हमने क्या क्या पढ़ लिया है हम देखें। सबसे पहले हमने बात की भारत पर्व के बारे में, लाल किले में मनाया जा रहा है 5 दिन का पर्व, ठीक है। फिर बात की नॉन कम्युनिकेबल डिजीज सर्वे के बारे में, उसके बाद में हमने बात की इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट के बारे में, और ये किसने जारी किया था, ये जारी किया था ऑक्सफैम इंटरनेशनल एनजीओ ने, उसके बारे में हमने बात की श्री गोविंद वल्लभ पंत साहब के बारे में। फिर हमने बात की पंख अभियान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया, और उसके बाद में बात की थी डीएसआईबीज की यानी डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स की, जो आरबीआई ने इनको दर्जा दिया है, उसके बारे में हमने क्या देखा, भारत न्याय रिपोर्ट देखा, फर्स्ट महाराष्ट्र था, लास्ट उत्तर प्रदेश था, और फिर हमने देखा कोरोना वायरस सूचकांक, फिर हमने देखे कुछ वन लाइन क्वेश्चंस, ठीक है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बोर्ड लाइब्रेरी के बारे में जाना, आदिवासी मेले के बारे में जाना, और उसके बारे में अल्फा ग्लोबल जो संगठन बना, यूनियन बना, उसके बारे में जान लिया। फिर हमने जाना एमएफएक्स युद्ध अभ्यास, MFX-21 युद्ध अभ्यास जो कि अंडमान निकोबार में हो रहा है। आयु संवाद के बारे में बात की, और नरेंद्र लूथर साहब के बारे में बात की जिनका हाल ही में निधन हो गया था, ठीक है। उसके बाद में हमने ज्वालामुखी उद्गार से रिलेटेड माउंट मेरापी की बात की, और इंडोनेशिया में था, विश्व उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोग दिवस की बात की, और 2021-22 इंडो फ्रांस ईयर ऑफ एनवायरनमेंट की बात कर ली थी। इसके बाद में क्या बात की थी, गणतंत्र दिवस परेड 2021 की सर्वश्रेष्ठ झांकी, आईसीसी का नया अवार्ड देखा, और वुमेन्स एशियन कप जो होने वाला है फुटबॉल का 2022 में, वो इंडिया में होने वाला है, इतनी बात हमने गौर से पढ़ ली थी, ठीक है। इसके बाद में हमने देखा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो इंडिया ने साइन की है आईईए के साथ में, यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के साथ में, और लास्ट में हमने बात की वर्ल्ड लेप्रोसी डे यानी विश्व कुष्ठ रोग दिवस के बारे में। ये बातें थी जो 28 और 29 जनवरी के करंट अफेयर से रिलेटेड थी, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए थी। तो कैसा लगा आपका सेशन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपने पूरा सेशन देखा उसके लिए आपका धन्यवाद, सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ठीक है, शेयर तो करना ही है बिना कहे हुए, क्योंकि दोस्तों को भी तो आगे गवर्नमेंट सर्विसेज में ले जाना है, अकेले चले जाएंगे तो बोर हो जाएंगे, दोस्त होना जरूरी है हर जगह पे। फिर कमेंट करके बताना है कैसा लगा, जो क्वेश्चंस पूछे उनके आंसर देने, और लाइक करने के लिए तो कहना ही नहीं पड़ना चाहिए, इतना शानदार जो आपको सेशन मिल रहा है उसके लिए लाइक तो बनता है, ठीक है। फिर फेसबुक पे आप हमसे जुड़ सकते हैं, एकेडमिया क्लासेस के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम पे अगर पीडीएफ चाहिए इसकी तो एकेडमिया क्लासेस टेलीग्राम पे भी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं, और ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।